नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वाईफाई नॉलेज हमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लाए हैं उसका नाम है पॉलिटेक्निक में कौन सी ब्रांच चूज करें, यानी पॉलिटेक्निक में कौन सा ट्रेड चूज करें। दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, यानी जिसको डिप्लोमा बोला जाता है उसको करना चाहते हैं, और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी ब्रांच हम चूज करें, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहिए, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आपके सारे डाउट्स आज इस वीडियोस के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे तो पॉलिटेक्निक में बहुत सारी ब्रांच होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य ब्रांच ऐसे होती हैं जिनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा चूज करते हैं। इनमें से पहला है सिविल, दूसरा है मैकेनिकल, तीसरी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और पाँचवा है CS और IT। हालांकि CS और IT अलग अलग ब्रांच होती हैं, लेकिन CS और IT लगभग एक एक ही रिलेटेड ब्रांच होती हैं, तो इनको हम एक ही साथ लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों, आप पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे तो ज़रूर इस बात को सोच के कर रहे होंगे कि पॉलिटेक्निक करने के बाद हम जॉब करेंगे या जॉब अच्छी हमें मिलने की संभावना होगी। तो हर कोई कोई भी एजुकेशन करता है, कोई भी पढ़ाई करता है, तो अपने आगे के फ्यूचर को सोच के करता है कि हमें आगे कहाँ पे कितना नौकरी मिल सकती है, इस पढ़ाई के करने पे कितना इसका स्कोप है। तो ये सब जानना पहले बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी ब्रांच चूज किया जाए जिसका भविष्य में या फ्यूचर में ज़्यादा स्कोप है। तो पहले हम सिविल से स्टार्ट करते हैं कि सिविल में जो वैकेंसीज होती हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में आती हैं। तो सिविल में जो वैकेंसीज होती हैं वो आती हैं सिंचाई विभाग, PWD, CPWD, CPWD को सेंट्रल PWD भी कहते हैं, रेलवे JEE, NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, SSC JEE के थ्रू आती है, UPPCL, Army JEE, ब्रिज कॉरपोरेशन, जल निगम, डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सब चीज़ों में आती है। ये रहे गवर्नमेंट सेक्टर सिविल के, ये गवर्नमेंट सेक्टर रहे, ठीक है। अब इनमें ज़रा देख लीजिए प्राइवेट, इसका स्कोप क्या होता है सिविल का। दोस्तों, सिविल का प्राइवेट स्कोप भी इस समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। हाँ, सिविल के प्राइवेट में ये होता है कि प्राइवेट वर्क सिविल का बहुत ही लेंदी होता है। प्राइवेट जॉब सिविल की कर पाना इतना आसान नहीं होता है जितना कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। सिविल की प्राइवेट जॉब बहुत ही लेंदी होती है, क्योंकि अक्सर सिविल की जो साइट होती हैं वो धूप में होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनों के बीच में, हमेशा डस्ट के बीच में आपको रहना पड़ता है, तो बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हालांकि आपको लेबर वर्क तो नहीं करना होगा, लेकिन फिर भी आपको साइट पे बने रहना होता है, क्योंकि प्राइवेट में आप गवर्नमेंट जैसा आराम नहीं कर सकते हैं। तो अब मैकेनिकल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैकेनिकल में वैकेंसी कहाँ कहाँ पे आती है। मैकेनिकल में आती है सिंचाई विभाग में, भेल यानी BHEL जिसको हम कहते हैं, महारत्ना कंपनी है, रेलवे JEE, NTPC, UPPCL, ONGC, Army JEE, सेल, ब्रिज कॉरपोरेशन, जल निगम, DRDO, इसरो, DMRC, ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो दोस्तों, ये मुख्य सरकारी सेक्टर है मैकेनिकल के, जहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच आप लिए हैं तो आपके लिए वैकेंसी आती रहती हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल के लिए कहाँ कहाँ पे जॉब आती हैं। तो इलेक्ट्रिकल के लिए आती हैं सिंचाई विभाग में यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट में, NTPC, UPPCL, जल निगम, UPRVUNL, BHEL, DRDO, DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट, इंडियन कोस्ट गार्ड, ONGC। यानी ये मुख्य ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं तो आपके लिए डिप्लोमा लेवल पे जॉब आती रहती हैं। अब आते हैं चौथे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हैं तो आपके लिए कहाँ पे जॉब आने के ऑफ़र होते हैं ये देख लीजिए। तो सबसे पहले इसके गवर्नमेंट सेक्टर को देख लेते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे बड़ी वैकेंसी के रूप में देखा जाता है वो ALP होता है, यानी असिस्टेंट लोको पायलट ही होता है, क्योंकि बाकी जगह बहुत कम सीटें आती हैं। BSNL है, BSNL में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रॉपर सीटें आती हैं, लेकिन BSNL की वैकेंसी कुछ
कुछ ज़्यादा गैप पे आती है। डीएमआरसी है, डीएमआरसी में लगभग हर साल या हर 2 साल पे, 1 या 2 साल पे वैकेंसी आती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत अच्छी सीट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इस मान के चलिए कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बराबर या उनसे भी अधिक सीट आती हैं। डीआरडीओ हुआ, डीआरडीओ में हर 1 साल 2 साल पे अब तो कंटिन्यू आने लगी है वैकेंसी, हर साल पे आती है डीआरडीओ में वैकेंसी, और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए सबसे अधिक वैकेंसी आती है। अगला कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स आप किए हैं डिप्लोमा तो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आती है, ये स्टेट लेवल की वैकेंसी है, और इसमें जो सीट होती है, जितनी भी सीट होती है उसमें आप इलिजिबल होते हैं, आप फाइट कर सकते हैं। इसके भी 600 से 700 सीटें या 1000 सीटें तक आती हैं जिनमें आप फाइट कर सकते हैं। रेलवे JEE हुआ, मौसम विभाग हुआ, सेल हुआ, सेल का मतलब महारत्ना कंपनी से है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, BEL हुआ यानी बेल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ONGC हुआ, हालांकि ONGC में ज़्यादा सीटें तो नहीं आती हैं, लेकिन ONGC में भी जितनी भी सीटें आती हैं आती हैं। NTRO हुआ, इंडियन कोस्ट गार्ड हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटी हुआ, इंडियन नेवी हुआ, इसरो हुआ, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसीज आती हैं। अब देख लेते हैं CSIT को, यानी CSIT के लिए कहाँ कहाँ पे वैकेंसी आती हैं। तो CSIT के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज तो बड़ी कम आती हैं, लेकिन जहाँ पे आती हैं, जितनी भी आती हैं, वो आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं। CSIT में आती हैं DRDO में, रेलवे JEE में, इसरो में, NTRO में, DMRC में, कंप्यूटर ऑपरेटर में। तो यहाँ पे CSIT के लिए वैकेंसी आती हैं, हालांकि ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा तो नहीं होती हैं, लेकिन कम भी होती हैं तो आती हैं इन डिपार्टमेंट में। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये सस्पेंस बना हुआ रहता है कि इन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज तो आ रही हैं, लेकिन किस ब्रांच की वैकेंसी ज़्यादा आती हैं, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से थोड़ा सा हमको क्लियरिफाई करना पड़ेगा। ये तो बस ऊपर से हम बताएं कि इस ट्रेड से आप करेंगे तो आपके लिए वैकेंसीज कितनी कितनी और किस डिपार्टमेंट में आएगी। थोड़ा सा हम ये दिखाएंगे अब कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी जाने के चांसेज होते हैं। तो पहले हम सिविल से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जब बताया होगा तो आप ये भी देखे होंगे कि एक ही विभाग की वैकेंसी 2-3 ब्रांच के लिए एलिजिबल थी, जैसे सिंचाई विभाग की वैकेंसी है, ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सॉरी इतने ही 3 ब्रांच के लिए ये एलिजिबल होती है। PWD हुआ, ये मेन रूप से सिविल के लिए आती है, लेकिन मैकेनिकल की भी सीटें इसमें होती हैं। तो इस तरीके से कुछ ब्रांच ऐसी हैं जो कुछ विभाग ऐसे हैं जो एक से अधिक ब्रांच को भी अपने अंदर लेते हैं, मतलब जॉब ऑफर करते हैं। तो सिंचाई विभाग के लिए देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर सिंचाई विभाग में 2000 वैकेंसी आती हैं तो इनकी सीटें किस तरीके से आती हैं, यानी कि कौन कौन से ब्रांचेस को कितने कितने सीटें आने के चांसेस होते हैं। तो अगर 2000 सीट अगर सिंचाई विभाग के लिए आ रही है तो उनमें से 1250 सीट लगभग सिविल के लिए होगी, 450 सीट मैकेनिकल के लिए होगी और 300 सीटें इलेक्ट्रिकल के लिए होगी। यानी सिंचाई विभाग की जो वैकेंसी आती हैं इनमें सिविल के लिए सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, उसके बाद मैकेनिकल और फिर इलेक्ट्रिकल। ऐसे ही PWD को देख लेते हैं। PWD में अगर 3000 सीटें आ रही हैं तो उनमें से 2400 सीटें कम से कम सिविल के लिए होंगी और बाकी 600 में मैकेनिकल और भी कोई ब्रांच होगी तो उसके लिए एलिजिबल होगा। ऐसे ही अगर ये NTPC है, NTPC में अगर 240 सीटें आती हैं तो NTPC में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल को लेने के चांसेज होते हैं। NTPC में 240 में 120 इलेक्ट्रिकल के लिए होगा। आप ये मत सोचिए कि 240 सीट है तो उसमें 200 आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 120 सीट आपको मिलने के चांसेज होते हैं और बाकी के 80 सीट मैकेनिकल वालों के लिए होती है और 40 सीट सिविल को भी लिया जाता है, क्योंकि NTPC की जब भी वैकेंसी आती हैं तो तीनों ब्रांच के लिए आती हैं। मैकेनिकल के लिए 6000 में से 2000 सीटें होंगी और इलेक्ट्रिकल के लिए 6000 में से 1000 सीटें होंगी। हालांकि 6000 सीटें तो नहीं आती हैं और कम ही सीटें आती हैं, लेकिन एक आपको सीट के अनुपात में, एक रेशियो में आपको बता रहे हैं कि सीटें किस तरीके से होती हैं। तो अभी तक आप देख रहे हैं, तो अभी तक आपने देखा कि सिविल में सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं,
उसके बाद मैकेनिकल है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल है। और इन डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट नहीं आती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जिक्र नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर रेलवे जेई का जो फॉर्म आता है, तो रेलवे जेई में मान लीजिए कि 14,000 सीटें हैं, तो उसमें से 7,000 सीट तो केवल सिविल के लिए हो जाती है, बाकी की जो 7,000 सीट बच रही है उसमें भी 3,500 मैकेनिकल के लिए हो जाती है, बाकी 2,700 इलेक्ट्रिकल के लिए हो जाती है, और 700 से 800 सीटें केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बचती हैं। CS और IT के लिए रेलवे जेई में अलग से सीटें आती हैं, वो भी महज 50 या 60 होती हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी तक सिविल को सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, उसके बाद मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, और सबसे कम सीटें CS और IT को गवर्नमेंट सेक्टर में मिल रही हैं। इसी तरीके से UPPCL की बात की जाए, तो अगर UPPCL में 1,000 सीट आती है, 1,000 JEE की वैकेंसी जाती है, तो उसमें 200 तो सिविल के लिए होगी, और इसी तरीके से 300 वैकेंसीज मैकेनिकल के लिए होगी UPPCL में, और बाकी की जो बची 500 वैकेंसीज ये इलेक्ट्रिकल के लिए होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज UPPCL में ज़्यादा आती है। कभी कभी कंबाइंड वैकेंसी आती है, तो कंबाइंड वैकेंसी में तीनों ब्रांच एलिजिबल होती हैं, और कभी कभी इलेक्ट्रिकल के लिए केवल इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ही UPPCL में वैकेंसी आती हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे वैकेंसीज कौन कौन डिपार्टमेंट कितना कितना आती है। ऐसे ही आर्मी जेई हुई, तो आर्मी जेई में सीटें डिफाइन तो नहीं होती हैं, और मान लीजिए अगर डिफाइंड में है तो बहुत कम सीटें होती हैं। एक अनुमान मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए 400 अगर सीटें निकलती हैं आर्मी जेई में, तो आर्मी जेई में 400 में से 220 तो केवल सिविल के लिए हो जाती हैं। आधा से अधिक सीटें सिविल को ही मिलती हैं, क्योंकि आर्मी जेई सबसे अधिक सिविल को ही लेता है। दूसरे नंबर पर आता है मैकेनिकल। मैकेनिकल को 400 में 100 सीटें मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल को वही 50 से 60 सीटें मिल पाती हैं, इससे भी सीटें कम आती हैं। ये तो एक अपना एक आंकड़ा बता रहे हैं, लगभग एक नियर अबाउट बता रहे हैं, बाकी सीटें आती इससे भी कम हैं। ये मैक्सिमम सीट पे आपको लेकर चल रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जल निगम हुआ, मान लीजिए जल निगम में 2,000 वैकेंसी आती हैं, तो 2,000 में सिविल के लिए 650 वैकेंसी कम से कम आएंगी, बाकी की बची 900 वैकेंसी मैकेनिकल ब्रांच के लिए आती है, क्योंकि जल निगम में मैकेनिकल ब्रांच की वैकेंसी ज़्यादा होती है। और तीसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल को 450 वैकेंसी मिलेंगी, यानी 450 JEE की सीटें 2,000 में से दें, 2,000 में से दें जल निगम को, जल निगम की इलेक्ट्रिकल वालों को मिलती हैं। ऐसे ही तो ये तो रहा सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का। थोड़ा सा और भी चीज़ें देख लेते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से भी रिलेटेड हैं, जैसे कि BSNL की वैकेंसी आती है, तो BSNL की वैकेंसी मान लीजिए 2,700 आ रही है, तो 2,700 में इलेक्ट्रिकल भी होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी होते हैं। तो BSNL मेजर कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालती है, लेकिन इसकी ड्रॉबैक ये है कि BSNL की वैकेंसी जल्दी आती नहीं है, यानी हर ईयर इसकी वैकेंसी नहीं आती है, 5 से 6 सालों पे ही आती है। सेकंड DMRC, तो देखिए DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, DMRC की जो वैकेंसी होती है ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और CSIT, इन्हीं तीन चार ब्रांच के लिए आती है, इसमें सिविल वाले नहीं होते हैं, क्योंकि जो DMRC का काम होता है तो सिविल वाला काम टोटल प्राइवेट चलता है, उसमें ये लोग अपना JEE खुद का नहीं रखती है DMRC। इस तरीके से चलिए देख लेते हैं कि अगर DMRC में 360 सीट आ रही है, तो 360 में 120 सीट केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होती है, यानी DMRC में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, 135 सीट होती है। 360 में 135 सीटें DMRC में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आती हैं। और ऐसे ही मैकेनिकल के लिए देख लेते हैं, मैकेनिकल के लिए आती हैं DMRC में 85 सीट आएगी 360 में, और इलेक्ट्रिकल के लिए DMRC में 110 सीट आने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही रेलवे जेई है, रेलवे जेई में अगर 14,000 सीट आ रही है, तो उसमें 750 सीट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए मिलने के चांसेस होते हैं। सेल हुई यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल महारत्ना कंपनी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अच्छी वैकेंसी आती हैं। अगर सेल में 200 वैकेंसी आ रही है, तो ईमान की चलिए कि उसमें से 65 वैकेंसी केवल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ही होती है। इसी तरीके से
ONGC है, ONGC की वैकेंसी मान लीजिए कि 80 सीट आ रही है, तो 80 में से 25 सीट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होती है और बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए होती है। इस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी वैसे तो डिफाइन नहीं होती है, लेकिन वैकेंसी लगभग 85 के करीब, 80 या 85 टोटल ये लोग लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीन ही ब्रांच एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे 85 अगर ब्रांच आ 85 सीट आ रही है सॉरी इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो उसमें से सबसे अधिक मैकेनिकल के लिए होती है, यानी 45 सीट मैकेनिकल के लिए होती है और 18 के करीब इलेक्ट्रिकल वाले लिए जाते हैं और 12 के करीब कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में मैकेनिकल की सीटें ज़्यादा होती हैं। इसी तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट सबसे अधिक होती है। अगर 200 सीट आ रही है तो उसमें से 150 सीट एयरपोर्ट अथॉरिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए होती है। इसी तरीके से इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी में जब भी टेक्निकल वैकेंसी आती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को सबसे अधिक सीट मिलती है। इसी तरीके से इसरो भी हुआ, इसरो की जब भी वैकेंसी आती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को अच्छी खासी सीटें मिलती हैं। इसी तरीके से CSIT देख लीजिए, CSIT के लिए सबसे अधिक वैकेंसी DRDO में आती है, यानी DRDO में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स को 110 सीट मिलती है सबसे अधिक, तो वहीं CS और IT के लिए भी 90 सीटें होती हैं। रेलवे JEE हो गया, तो रेलवे JEE में तो उतना सीट नहीं आती, 50 से 60 सीट मिल पाती है। ऐसे ही NTRO हो गया, तो NTRO देखिए, NTRO की जो वैकेंसी आती है इसमें सबसे अधिक सीटें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लगभग 300 से 400 सीटें आ जाती हैं। इसी तरीके से CS और IT के लिए 50 सीटें होती हैं, और DMRC में यानी दिल्ली मेट्रो ट्रेन में CSIT के लिए 360 अगर सीट निकल रही है पूरी, तो उसमें से 30 सीट ही मिल पाती हैं। ऐसे एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर में CS और IT फुल एलिजिबल होते हैं, यानी अगर 600 सीट है तो 600 सीट पे ये भी फाइट कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और CSIT ये दोनों उस पर पूरी सीट पे फाइट कर सकते हैं। यानी 600 सीट है, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट भी ऐसे ही आती है, 400, 600, 800, इससे ज़्यादा नहीं आती है, तो पूरे सीट पे ये लोग फाइट कर सकते हैं। तो ये देखिए सीट वाइज सबका ब्यौरा रहा, और ये कोई गलत ब्यौरा नहीं है, ये रियलिटी में ऐसे ही सीटें डिफाइन होती हैं और इसी रेशियो में सीट आती है। मैं ये नहीं कहता कि एकदम मैं एकदम एक एक चीज़ काउंट करके दिया गया है, बल्कि सीट का अनुपात ऐसे ही होता है। तो थोड़ा सा ये तो रहा अलग अलग सबकी डिपार्टमेंट वाइज सीटें, मैं ओवरऑल बता दे रहा हूँ कि आपको 3 साल में कौन कौन सी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी 3 साल में एक ब्रांच के लिए आ जाती हैं लगभग। तो देखिए अब जैसे कि जितना विभाग बताएं, मान लीजिए सिविल में हम बता दिए कि इसमें सिंचाई विभाग होता है, PWD होता है, CPWD होता है, रेलवे JEE होता है, NTPC, SSC JEE, UPPCL, आर्मी JEE, ब्रिज कॉरपोरेशन, जल निगम, इतना सारे डिपार्टमेंट बता दिए, तो आपको लगा होगा कि वैकेंसीज तो बहुत आती हैं, इतने सारे विभाग हैं, वैकेंसीज बहुत आती होंगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये विभाग हर साल वैकेंसी नहीं निकालते हैं, एक बार वैकेंसी निकालेंगे, कुछ ही ऐसे डिपार्टमेंट है जो हर साल वैकेंसी अपना कंटिन्यू निकालते हैं, वरना कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि एक बार वैकेंसी कर लेते हैं तो 3 से 4 साल के लिए वो फिर देखते भी नहीं हैं। जैसे सिंचाई विभाग है, इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती नहीं है, जब भी आती है 1500, 1200, 1800 ऐसे ही आती हैं, और एक बार सिंचाई विभाग की वैकेंसी आती है तो फिर उसकी वैकेंसी काफ़ी दिन बाद ही आती है। ऐसे ही SSC की होती है, तो SSC भी, SSC मात्र एक ऐसा है जिसकी वैकेंसी कंटिन्यू चलती है, SSC के थ्रू जो वैकेंसी जाती हैं ये कंटिन्यू चलता है, ये हर साल वैकेंसी जाती हैं। तो SSC सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसकी वैकेंसी हर साल लगभग आती है। इसी तरीके से आर्मी JEE है, तो आर्मी JEE की भी वैकेंसी लगभग हर साल ही आती है, नहीं तो 1 या 2 साल के बाद आ ही जाती है। इसमें भी सीट बहुत कम होती है, वही आती है 300, 300, 200, 400 ऐसे ही करके सीटें आती हैं, और सीट का रेशियो आपको पहले हम बता ही दिए कि किस रेशियो में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से है, और यही जल निगम है, जल निगम की भी वैकेंसी हर साल नहीं आती है, 4 साल, 5 साल, 6 साल पे मैक्सिमम मान के चलिए कि 4 साल या 3 साल के बाद ही आती है वैकेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से जल निगम में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है, 600, 1200 आती है या 2000 आ गई, इस तरीके से करके आती हैं, ठीक है।
कंटिन्यू वैकेंसी आने में यूपी पीसीएल है। यूपी पीसीएल की वैकेंसी लगभग हर साल 800 600 1000 ऐसे करके 250 करके वैकेंसी जाती रहती है। तो यूपी पीसीएल साल में एक बार कम से कम वैकेंसी तो निकालता ही निकालता है। ऐसे ओएनजीसी हुआ, इनके भी कंटिन्यू वैकेंसी आती हैं, हर साल आती हैं, हालांकि ओएनजीसी की वैकेंसी ज़्यादा नहीं होती है। इसी तरीके से एनटीपीसी भी हो गया, इनकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 100 100 में होती है, 150 में होती है, 200 में होती है, ऐसे ही होती है। रेलवे जेई हो गया, इसकी वैकेंसी 3 3 साल 4 4 साल बाद पे निकलती है, 12 हज़ार 8 हज़ार 6 हज़ार इस तरह करके निकलती हैं और 3 से 4 साल पे ही निकलती हैं। असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, इसकी वैकेंसी तो आप जानते ही होंगे कि 3 से 4 साल पे असिस्टेंट लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर की वैकेंसी आती है। एक बार आने के बाद 3 से 4 साल तक वो लोग फिर कोई वैकेंसी नहीं निकालते हैं। तो ये जितने भी विभाग हैं ये कंटिन्यू वैकेंसी नहीं निकालते हैं। हाँ, डीएमआरसी है, डीएमआरसी की कंटिन्यू वैकेंसी आती है, यानी दिल्ली मेट्रो ट्रेन है, और डीआरडीओ हो गया, इसके बाद सॉरी कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, एनटीआरओ हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, इनकी वैकेंसी कंटिन्यू आती रहती है, हर एक एक दो साल पे आ जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी हर 6 महीने पे आती है। तो ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को मिल पाता है, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी हर 6 महीने पे आती है, तो ये थोड़ा सा फ़ायदा रहता है। प्लस डीआरडीओ की वैकेंसी हर साल आती है, तो डीआरडीओ में सिविल वाले एलिजिबल नहीं है, सिविल की वैकेंसी नहीं आती है, आती भी होगी तो कभी कभार आ जाती है, वरना मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी ज़्यादा आती है। तो डीआरडीओ की वैकेंसी हर साल आती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कि हर साल इनको 120 से 130 या 100 सीट तक इनको मिल जाता है। ठीक है, ऐसे डीएमआरसी है, तो डीएमआरसी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स की सीटें काफ़ी अच्छी आ रही हैं अब तो, क्योंकि 360 में से 135 सीटें तक अब मिल जा रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। तो एक तरीके से मान के चलिए कि अभी कंटिन्यू वैकेंसी है। डीएमआरसी को ही नहीं बल्कि जितने भी मेट्रो ट्रेन हैं सब में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रॉपर सीटें आ रही हैं। तो मेट्रो ट्रेन के आने से या कहीं भी मेट्रो ट्रेन आ रही है तो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद एनटीआरओ हो गया, एनटीआरओ में भी इलेक्ट्रॉनिक्स को काफ़ी अच्छी सीट मिल जाती है। तो कुल मिलाकर अगर ओवरऑल हम देखें तो अगर 3 साल का एक रेशियो लेते हैं तो सिविल के लिए करीब 40 हज़ार सीटें आती हैं। सिविल के लिए अगर 3 साल में पूरा वैकेंसी पूरे ओवरऑल इंडिया देखा जाए तो 40 हज़ार वैकेंसी आती हैं, 40 हज़ार वैकेंसी वो भी 3 से 4 साल में। ठीक है, ऐसे मैकेनिकल के लिए देखा जाए तो मैकेनिकल के लिए 3 से 4 सालों में 33 से 34 हज़ार के करीब पूरी वैकेंसी आती हैं, यानी 3 से 4 सालों के बीच 33 से 34 हज़ार वैकेंसी आती हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल को देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल में भी जो वैकेंसीज होती हैं वो 34 से 35 हज़ार के करीब आती हैं। तो ये मान के चलिए कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं, इनकी वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिकल के दोनों के गवर्नमेंट सेक्टर में एक बराबर ही होती है। इसको थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन करूँगा, आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन मैं डिफ़ाइन करूँगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी जो वैकेंसीज होती है नंबर ऑफ वैकेंसी ये 30 हज़ार के करीब होती हैं। तो हमसे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से जो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं मैकेनिकल वाले होते हैं 5 हज़ार वैकेंसी 6 हज़ार वैकेंसी ये ज़्यादा ही पाते हैं। अब सीएसआईटी की बात कर लें तो सीएसआईटी के लिए जो टोटल गवर्नमेंट वैकेंसी आती हैं वो अंडर 1000 ही होती हैं, यानी 1000 के करीब 3 से 4 सालों में सीएसआईटी के लिए केवल वैकेंसी आ पाती हैं। ये रहा इनका रेशियो। अब देखिए सिविल में 40 हज़ार वैकेंसी आ रही है और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में मान के चलिए कि 33 से 34 हज़ार मैक्सिमम 35 हज़ार कह सकते हैं वैकेंसी आ रही हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम 30 हज़ार तक वैकेंसी आ रही हैं। अब ये कैसे सिविल के बराबर हो जा रहा है जबकि हम पहले देखे कि सिविल की वैकेंसी हर जगह अधिक आ रही थी, तो ये सभी ब्रांच लगभग उसके इक्वल कैसे हो गए? इसका एक रीज़न है क्योंकि जो लोको पायलट है इसकी जो वैकेंसी 27 हज़ार आ रही है या 20 हज़ार आ रही है तो ये हर 3 साल पे आता है और इसमें सिविल वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, केवल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं। तो एलपी के कारण इनकी नंबर ऑफ वैकेंसी सिविल वालों के बराबर हो जाती है। अगर लोको पायलट को निकाल दिया जाए तो ये सारे ब्रांच सिविल से कहीं पीछे हैं।
तो बस हम यही कहेंगे दोस्तों कि सारे ब्रांचेस में जॉब आती हैं, हर एक ब्रांच में जॉब मिलती है। आप कोई भी ब्रांच ये बता दी हैं, जो भी रेशियो है ये आपके सामने हैं, इन सब को आपको अपने दिमाग में रखते हुए आपको आगे चलना है। तो को ध्यान से सुने होंगे तो आप ज़रूर समझे होंगे कि कौन सी ब्रांच लेना ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। ब्रांच सभी अच्छी होती हैं और हर एक ब्रांच में आने पे आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप अगर सिविल ब्रांच चूज करते हैं तो सिविल में भी बहुत फाइट होती है, क्योंकि सिविल में लड़के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में भी और प्राइवेट कॉलेज में भी दोनों कॉलेज के मिला दिया जाए तो सिविल के लड़के ज़्यादा हो जाते हैं। मैकेनिकल में भी यही हाल है, इलेक्ट्रिकल में भी यही हाल है। तो सारे और इसी तरीके से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए फ़ायदा तभी होता है जब लोको पायलट की वैकेंसी जाती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होती हैं, इस तरीके से इनको भी बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो सभी जानकारियों को देखते हुए आपको जो भी ब्रांच सुटेबल लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुँचती रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।